क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों और प्यारे दोस्तों, पवित्र माँ कलीसिया अभी उपवास काल में है। उपवास काल मतलब उपवास करने का काल, साथ रहने का काल और प्रभु मसीह के साथ रहकर हमारे जीवनचर्या में परिवर्तन करने का काल। इस काल में हम विशेष रूप से प्रभु मसीह का दुख तकलीफ के बारे में, मृत्यु के बारे में तथा पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज हमें मनन चिंतन करने के लिए मैं इस संसार का राजा नहीं हूं या मेरा राज्य इस संसार का नहीं हूं, यह भाग दिया है। पिलातुस प्रभु के सामने खड़े रहते हुए पूछते हैं कि क्या आप राजा हैं? प्रभु बताते हैं कि जी हां, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हमारे प्रभु राजाओं का राजा है और वह इस संसार के अन्य राजाओं का समान नहीं है। राजा होते हुए भी वह सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हम मानवों के बीच जीवन बिताकर हमारे लिए अपने जीवन क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन पुनरुत्थित होकर हमारे लिए नमूना दिखाया है। दोस्तों, प्रभु राजा होते हुए भी हम सबको सेवा भाव का, सेवक बनने का नमूना दिखाया है, तो इस उपवास काल में हम भी सेवा करते हुए, सेवक बनते हुए राजाओं का राजा प्रभु जैसे बनने के लिए बुलाए गए हैं। अपने जीवनचर्या में प्रभु मसीह को अनुकरण करते हुए, प्रभु के इच्छाओं को हमारे जीवन में लाते हुए, हमारे कार्यों द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए हम कोशिश करते रहे। प्रभु मसीह हम सबको आशीष दें।